नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा प्रश्न आज हम कर रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें प्रथम भाग है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शुरू में ही भिन्न एक है, भिन्न कुछ और है। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। इसी प्रकार से यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सबसे पहले मान लो अंश बराबर है एक्स, हर बराबर है वाई, तो भिन्न किसके बराबर होगी? भिन्न होती है अंश बटा हर, यानी एक्स बटा वाई के बराबर भिन्न हमारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। पहली सिचुएशन देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, अंश कितना है एक्स, यदि इसमें एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, हर कितनी है वाई, इसमें से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी यह भिन्न एक के बराबर हो जाती है। दोबारा देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश था x, उसमें एक जोड़ दिया x प्लस वन, हर में से एक घटा दें, हर थी y, उसमें से एक घटा दें y माइनस वन, तो भिन्न एक में बदल जाते, यानी भिन्न एक बन जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, यदि हर में एक जोड़ दें, हर कितना है y, हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ ना तो जोड़ा ना घटाया, इसका मतलब अंश है एक्स, ठीक है, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 के बराबर है। अभी हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, इन दोनों को हल करके हम दो समीकरण बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसके नीचे यदि कुछ भी नहीं है तो है एक, और अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्स प्लस वन जब वन से गुना होगा तो रह जाएगा एक्स प्लस वन, y माइनस वन जब वन से गुना होगा तो ये रह जाएगा y माइनस वन। अगले स्टेप में x, y यहाँ प्लस का है, यहाँ मतलब बराबर के आगे, जब ये बराबर से पहले जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर है माइनस वन, ये प्लस वन है यहाँ, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, साथ में साइन माइनस का क्योंकि दोनों रख में माइनस की हैं, तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरी समीकरण भी बनाएंगे। इसके लिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो को एक्स से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर वाई प्लस वन को जब इधर वन से गुना करेंगे तो आ जाएगा वाई प्लस वन। अगले स्टेप में 2x, वाई यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर बराबर के आगे बचा है वन। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमने इसे विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि के लिए हम देखेंगे, देखें क्या कुछ ऐसा है कि दोनों में एक जैसा हो, ये भी माइनस वाई है ये भी माइनस वाई है, तो इनको किसी भी नंबर से गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस दूसरी रकम को पहली रकम के नीचे ही लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, इनके नीचे लगा देंगे लाइन। जैसा कि आप जानते हैं ये साइन चेंज, ये साइन सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को पहली में से माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो इनके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। आइए अब इसे हल करें। यह है x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x निकल गया, 1x बच गया, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 2, उसके साथ साइन है माइनस का, तो ये आ गया माइनस एक्स, और ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा और आगे हमारे पास बच जाएगा बराबर माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, साथ में साइन माइनस का क्योंकि दोनों रकम में माइनस की हैं। तो अगले स्टेप में फिर से माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास एक्स का मान आ जाएगा 3, एक्स का मान आ जाएगा 3। अब ये जो एक्स का मान आया इसे हम रख देंगे इक्वेशन नंबर, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। पुट
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में रख देते हैं। इक्वेशन वन थी एक्स, एक्स की जगह लिखा 3 माइनस माइनस, आगे है वाई, वाई बराबर बराबर माइनस 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, इक्वेशन वन ये वाली है, इसमें एक्स की जगह जो हमने एक्स निकाला 3 वो रखा, बाकी माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस वाई बराबर माइनस 2 को ऐसे लिख दिया। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, देखो माइनस 2, ये 3 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया माइनस y बराबर माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5, साथ में साइन माइनस का क्योंकि ये दोनों ही रकमें माइनस की हैं। अब अगले स्टेप में माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बच गया y बराबर 5, हमारे पास बच गया y बराबर 5। तो देखिए ये हमें समीकरण दी थी, हमने अभी एक्स और वाई निकाला है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, भिन्न निकालनी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर भिन्न, भिन्न किसके बराबर है, देखो क्वेश्चन में हमने जब सॉल्यूशन शुरू किया था तो हमने कहा था भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, तो भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। एक्स किसके बराबर है, देखो एक्स किसके बराबर है 3 के, बटा वाई किसके बराबर है 5 के। इसका मतलब ये जो भिन्न है ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, 3/5 के बराबर आ गई, यही हमें निकालना था। वह भिन्न क्या है, वह भिन्न है 3/5। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।